मैंने अभी अभी एक बहुत ही मस्त सा मेकअप चैलेंज देखा है, जो कि है सारे मेकअप प्रोडक्ट्स को फ्रीज करके वो लोग मेकअप प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका बता रहे हैं। तो मुझे ना बहुत अच्छा लगा ही, तो मैंने सोचा है कि मैं भी एक बार ट्राई करूँ, मैं भी देखूँ। तो चलो मैं सारे के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं उनको फ्रीज में रख देती हूँ, फ्रीज में रख देती हूँ। एंड उसके बाद हम लोग कल देखेंगे कल कैसा आता है इसका रिजल्ट। चल सो गाइज, आई होप आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इसको ट्राई करने के लिए। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पर ये फ्रीज्ड मेकअप चैलेंज हुआ है और सबने बोला है बहुत ज़्यादा अच्छी एप्लीकेशन हो जाती है सब चीज़ों की। सो वही हम ट्राई करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ ये सनस्क्रीन। वाओ, कितना ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी तो मुझे ठंडे ठंडे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इतनी गर्मी है और मुझे फैन और एसी बंद करना पड़ा है, वरना मेरी आवाज के पीछे बहुत ज्यादा आवाज आता है पंखे का। तो एक तरीके से ये मेकअप चैलेंज अच्छा भी है। तो ऑनेस्टली सनस्क्रीन लगाते टाइम मतलब मुझे इतना ज्यादा तो कुछ डिफरेंस नहीं लगा है सनस्क्रीन में, बस ये है कि हाँ थोड़ा मुझे ठंडा ठंडा फील हो रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ऐसा इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं लगा है। तो चलो इसके बाद हम लोग लगाते हैं प्राइमर। ये रहा गाइस प्राइमर। इस प्राइमर की ऑलमोस्ट जान खत्म हो गई है, आप लोगों ने मेरी हर वीडियो में ही देखा होगा। मैं पता नहीं प्राइमर मंगा क्यों नहीं रही हूँ, कुछ ज़्यादा ही कंजूसी कर रही हूँ इस बार में। ये है प्राइमर मैंने ले लिया क्योंकि ऐसा है ना कि बहुत बचा है, हालांकि आपको खाली लग रहा होगा पर काफ़ी ज़्यादा बचा है, तो मैंने सोचा थोड़ा ख़त्म होने ही दो। ये प्राइमर ठंडा नहीं हुआ है क्यों? ये प्राइमर ठंडा हुआ ही नहीं है यार। लगता है प्राइमर में कुछ अलग शक्ति होती है जो इसे कभी ठंडा नहीं कर पाता है। और अगेन इस प्राइमर का भी मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस अभी तक लगा नहीं है, पर बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है। मतलब वैसे प्राइमर तो होता ही स्मूथ है पर अच्छा लग रहा है लगाते हैं। सो ये हमारा प्राइमर लग चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फाउंडेशन। और ये फाउंडेशन गाइज लिटरली बहुत ठंडा है। मैंने इनको ना फ्रीजर में रखा हुआ था, एक बार मैंने सोचा कहीं फ्रीजर में रख के मुझे ऐसे इसकी आइसक्रीम मिलने को ना मिले और मुझे आइसक्रीम लगानी पड़े फेस पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस ठंडा ही हुआ है, बहुत ठंडा है। ओके वाओ, ये हो रहा है ठंडा। ओके गाइज, सो मैंने इसे भी फ्रीज में रख दिया था। इसको मैंने एक्चुअली फ्रीजर में रखा हुआ था, तो देखो ये यहाँ से थोड़ा सा ना फट गया है, मेरा ब्यूटी ब्लेंडर खराब हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और पैसे गए। कोई नहीं, चलो ट्राई करते हैं। वाओ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गर्मियों में ना हम ऐवे ही जैसे हम फ्रिज में स्किन केयर के प्रोडक्ट्स तो कोई कोई रखता ही है, तो शायद अब मेकअप का भी रखना स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि ऑनेस्टली एक तो फील बहुत अच्छा आ रहा है गर्मियों के टाइम पर। अच्छा यार, ये तरीका तो मुझे पसंद आ रहा है। देखो आप खुद देख सकते हो इसकी कितनी अच्छी एप्लीकेशन हो गई है ठंडा होने के बाद। चलो अच्छा है, अभी तक तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं और सारे यूट्यूबर्स झूठ ना बोल रहे हो, पर नहीं, मेरा भरोसा उठने ही वाला था। थोड़ा कानों में भी लगा लेते हैं वरना एलियन जैसे लगते हैं कि यहां से तो चमकते हैं और कान डल रह जाते हैं, थोड़ा सा कानों में लगा लेते हैं। बहुत सीमलेसली लग गया है, बहुत अच्छे से। फ्रीज में रख दो, जाओ अगर आपके पास फाउंडेशन है अभी जाओ फ्रीज में रख दो, बहुत अच्छी एप्लीकेशन हो गई है सच में। वाओ, चलो अभी मैं इतना ही, मैं बहुत सारी लेयर नहीं लगा रही हूँ क्योंकि गर्मियों के टाइम पे वैसे भी आपको इतनी सारी लेयर्स लगानी नहीं चाहिए। तो ये अब हम लोग कंसीलर ट्राई करते हैं। ओके, वैसे किसके दिमाग में आया होगा कि उनको ये वाला मेकअप चैलेंज करना चाहिए सब कुछ फ्रीज में रख के।
जो भी है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। सच में गाइस कंसीलर की भी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन हो गई है। मतलब ना पता है क्या हो रहा है, फेस में रखने के बाद ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जा रहा है। तो क्योंकि लाइट हो जा रहा है तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो पा रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग भी दे रहा है। तो ये डिफरेंस हो रहा है इसमें इस टाइम पर। मतलब अच्छा मेकअप लग रहा है, पता है बहुत अच्छा मेकअप लग रहा है लिटरली। तो क्या अब हमें फ्रिज में ही रखना चाहिए? मतलब मैं तो शायद नहीं रखूंगी फ्रिज में, या मैं रखूंगी पता नहीं, लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं लूज पाउडर। मैंने इस ब्रश को भी रखा होता है, ब्रश भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो हम लोगों ने पाउडर लगा लिया है एंड पाउडर में मुझे एज सच कोई डिफरेंस नहीं लगा है, क्योंकि शायद पाउडर कोई लिक्विड ही फॉर्म में नहीं था, मे बी इस वजह से, पर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लगा है। पर क्योंकि बेस मेकअप काफ़ी अच्छे से हुआ था तो मतलब फिनिशिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रखी है। नेक्स्ट अभी हम लोग लगाते हैं आईब्रो। ट्रस्ट मी गाइज, लगाने में भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसको, और पानी की वजह से इसने पिगमेंट भी काफ़ी अच्छी दे दिया। और ऐसा भी नहीं है कि ये किट मेरी वाटर किट बन गई है, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा जेली बन गया। मैं दिखाती हूँ आपको अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो। ओके गाइस आईब्रोज आर डन, अब हम लोग ब्लश लगाएंगे, ठंडा ठंडा ब्लश। थोड़ा जम गया है ब्रश, ये ब्लश निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। लेट्स सी ब्लेंड करके पता चलेगा ये कितना अच्छा ब्लेंड हो रहा है। वाओ गाइस लिटरली बता रही हूँ, जब मैं ब्लश ये ब्लश को वैसे यूज़ करती हूँ ना, बिना फ्रिज में रखे, मतलब नॉर्मली हम ऐसे यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पर जो है, मतलब उस टाइम पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा हार्ड तरीके से करना पड़ता है, पर अभी वाओ बहुत ईजिली ब्लेंड हो जा रहा है और मतलब बहुत सटल सा लुक दे रहा है अभी ये। देखो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लग रहा है कि एकदम पिंक पिंक, पर कितना प्यारा सा लगा हुआ है, आई लाइक इट। चलो अब तो मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने मेरे पास ठंडा ठंडा कूल कूल माई ग्लैम का प्रोडक्ट लगा हुआ है, अब इसको मैं लगा के देखती हूँ। आपको यही एक ब्रश देखने को मिलेगा, मल्टी ब्रश है गाइज ये, क्योंकि फिलहाल मेरे पास एक ही ब्रश है यहाँ पर। इस ब्लश को निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जम सा गया है। वाओ थोड़े जो पाउडर वाली चीज़ें हैं ना उसमें ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा वो ठोस हो जा रही है, तो इसकी वजह से निकालना ज़रा मुश्किल हो रहा है, वरना निकालने के बाद एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जा रही है। ठीक है अभी इसी से, इसमें कॉन्टोरिंग भी इसी में है, तो इसी से हम लोग कॉन्टोर भी कर देते हैं। और कॉन्टोर के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करूँगी, क्योंकि ब्रश से थोड़ी मुश्किल हो रहा है। देखो कितने अच्छे से निकल गया है यार। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो माइग्लैम की ये पैलेट है, इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि इसने अंदर खींचा ही नहीं है पानी को। क्या कर रही थी मैं? अच्छा कॉन्टोर। यस ओ माय गॉड लिटरली गाइस, मैं कभी भी, आप लोगों ने मेरी अगर पहले की वीडियोस देखी हों तो मैं कभी भी कॉन्टोरिंग इस पैलेट से नहीं करती हूँ, क्योंकि ये पैलेट जो है ना पिगमेंट नहीं देता है। पर लुक एट दिस पिगमेंट, वाओ ऐसा क्या कर रहा है यार फ्रिज। ये तो मैं डेफिनेटली फ्रिज में रखने वाली हूँ। कॉन्टोरिंग इज डन, अब इसी से, इसी में हाइलाइटर है, इसी से हम लोग हाइलाइटर भी लगाएंगे। एंड अगेन यही ब्रश, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ, क्या करेगा इस गरीबी। ओके
इस पैलेट का मुझे हाइलाइटर इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इसमें जो चंकी पार्टिकल्स हैं ना बहुत ज़्यादा हैं, पर अभी मेरे पास दूसरा हाइलाइटर नहीं है। सो हाईलाइट करेंगे हम, हाइलाइटर तो निकल ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, हाईलाइट भी हो रहा है। हाईलाइट के लिए ना सबसे बढ़िया रहता है वही हाइलाइटर वाला जो ब्रश होता है, वही बहुत बढ़िया रहता है, बहुत प्यारी सी हाइलाइटिंग होती है उससे। तो अभी हम लोग लगाएंगे आई शेडो, और आई शेडो को मैंने इस तरीके से रख दिया था। लेट्स सी, इसके अंदर पानी गया तो नहीं है, पर बाहर से पूरा पानी पानी हो गया है। और गाइज आप लोग मेरी बेवकूफ़ी देखिए, मैं आई शेडो पैलेट तो उठा के लाई पर मैं आई शेडो पैलेट का ब्रश नहीं लेके आई। मेरे पास एक भी आई शेडो ब्रश नहीं है और इससे मैं लगा नहीं सकती हूँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने फिंगर से ही निकालेंगे और वो इजी भी रहेगा इस टाइम पर क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था। पहले पहले स्विच में तो मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा इसको टाइम देती हूँ क्योंकि एकदम से निकालने में नहीं निकल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। लेकिन लगा देता है, इतना ठंडा लग रहा है, बहुत ही रिलैक्सिंग है गाइस ये। आप लोग ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, एक बार आप लोग जरूर ट्राई करना, मजा आएगा आपको। वाह यार, आई थिंक इसकी पिगमेंट भी काफी अच्छी हो गई है। जैसे मैंने बताया था आपको, मेरा आईब्रो का जो पाउडर था उसकी पिगमेंट काफी अच्छी हो गई थी, इसकी भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है पिगमेंट। लगता है ये भी फ्रिज में ही रहेगा अब। जिसने भी सोचा है ना यार, कहाँ हैं आप, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहूंगी। अभी जल्दी जल्दी हम लोग आई के लिए मस्कारा लगा लेते हैं। मस्कारा ये रहा, ये भी पूरा पानी पानी हो चुका है। आई होप अंदर कुछ जमा ना हो, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इनफैक्ट सही लग रहा है देख के। थोड़ा सा ये ब्रश में ज़्यादा लग गया है, ऐसे निकालते हैं और अब हम मस्कारा लगाना स्टार्ट करते हैं। हाय, जब टच हो रहा है ना ये पलकों के नीचे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। वाह, अभी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो और अच्छा लग रहा है। वाह, वरना क्या है ना, ये जो मेरा मस्कारा है ये गाइस थोड़ा सा क्लम्जी कर देता है मेरी आईलैशेस को जब मैं लगाती हूँ ना, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाता है। क्योंकि अभी मैंने फ्रिज में रखा था तो शायद इसमें इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर बाहर पानी था तो अंदर भी कुछ पानी वानी ऐसा कुछ सीन हुआ है। और ये देखो बिल्कुल भी क्लम्जी नहीं कर रहा है और कितनी स्मूथली लग रहा है। वाओ गाइज, मुझे तो डिफरेंस लग रहा है, डेफिनेटली ये मेरा फ्रिज में ही रहेगा पक्का, तो फ्रिज में ही रहेगा। ओके चलो, इसके बाद बस तक गाइज मैं ये सोच रही हूँ कि क्योंकि इस पैलेट की पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है तो क्यों ना जो इसका ब्लैक वाला है, क्योंकि ये करी काम जेल की तरह रहेगा, क्यों ना जो इसका ब्लैक वाला शेड है इससे मैं थोड़ा सा हल्का सा विंग आईलाइनर लगा लूँ। ओ लगता है इसकी वो पानी वाली पावर ख़त्म हो गई है, पर फिर भी ये काम करेगा क्योंकि इस पैलेट की पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी। लुक एट दिस, वाओ, ये रही प्यारी सी ठंडी सी लिपस्टिक। ओके सो मैंने लिक्विड लिपस्टिक ही रखी थी क्योंकि मेरे पास मैट थी नहीं, कम ही यूज़ करती हूँ मैं मैट वाली। पता है लिपस्टिक में क्या डिफरेंस आया है, ये मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना थोड़ा सा ऑयल का टेक्सचर आ गया। आप लोग देखो कितना शाइनी शाइनी सा हो रहा है, मतलब ये मैट लिपस्टिक है पर बहुत शाइनी हो रहा है और शायद थोड़ा सा चिपचिपा भी मुझे लग रहा है। आई थिंक गाइज मुझे लिपस्टिक का नहीं लगता कि मुझे फ्रिज में रखनी चाहिए क्योंकि मुझे आई डोंट नो ऐसा क्यों आ ऐसे ब्रेकआउट से भी हो गए मेरे लिप्स में, तो ये वाला तो नहीं होगा। पर फिलहाल जो मेरा बेस मेकअप है, आई शेडो, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो चलो मैं बाल खोल देती हूँ एंड मेरा ये मेकअप कंप्लीट हो गया है, मेरे फेस में कोई स्वेटिंग नहीं है गाइज। और आप लोग अभी खुद नोटिस कर सकते हैं कि ये मेकअप लुक ना कितना फ्रेश सा लग रहा है, मतलब काफ़ी फ्रेश लुक आ रहा है।
सो गाइज आई होप आपको मेरा एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपने इन्जॉय किया होगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। और जैसे कि मैंने कहा मैं प्रोडक्ट्स को ज़रूर फ्रीज में रखने वाली हूँ। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कोई डिफरेंस लगाया नहीं, या आप लोग इसको करने वाले हैं या नहीं, पर मैं तो आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी एक बार तो ज़िंदगी में ट्राई करना ही चाहिए गाइज, एक बार, बस एक बार ट्राई करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। मतलब गर्मियों में ट्राई कीजिए, ठंडों में तो आपको मज़ा नहीं आने वाला है, पर गर्मियों में ट्राई कर डालिए, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग। सो यस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। ऐसी अगर आपको चैलेंज और देखने हैं तो मुझे बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।